जय हिंद मित्रों, जल बचाएं जीवन बचाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में। पीजीटी हिंदी मेल पोस्ट कोड 68/20 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पिछले हफ्ते डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय के रूम नंबर 7 में आयोजित किया गया था। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी आपको जो टाइम दिया गया है, यदि आपको 2 बजे टाइम दिया गया है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 बजे से ही शुरू होगा। और दूसरी बात, आप वहाँ जिस भी स्थान पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है, चूँकि पीजीटी का डीवी जो है ई सेकेंड ब्रांच में होता है और टीजीटी का ई थर्ड में, क्योंकि इस समय देखने में आ रहा है अभी हाल ही में कि लांसर रोड स्थित जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर जो शेष टीजीटी के पोस्ट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। और अभी टीजीटी मैथ्स फीमेल पोस्ट कोड 37/21 का कुछ जनरल के कुछ कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी कल और आज आयोजित किया गया। और जो ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं कृपया वो निराश ना हो, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट निराश ना हो, जो ऑफर आप अपॉइंटमेंट लेटर जो है मेमोरेंडम जो आता है वो पीजीटी हिंदी का भी हमने देखा था, उसमें सबसे पहले जनरल कैंडिडेट्स का आया था, उसके बाद में फिर ओबीसी एससी आदि का जो है कैटेगरी वालों का उसके बाद में आया था। तो इसलिए आप निराश ना हो, निश्चित रूप से आपका भी आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना आपको यदि जनरल में है तो जिनका हो गया है अच्छी बात है, जो कैटेगरी में है उनका भी डीवी बहुत शीघ्र होगा। हाँ तो मित्रों, हम बात कर रहे थे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंध में, चूँकि जैसा मेरा समय जो दिया गया था 2 बजे समय वहाँ पर था पहुँचने का, तो 2 बजे पहुँच करके वहाँ पर बकायदा जो कर्मचारी लोग होते हैं वो आपको बुलाते हैं और आपका नाम पुकारते हैं और वहाँ एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है जिस पर आपको अपना टाइमिंग और डेट और अपना सिग्नेचर करना होता है कि मेरा डीवी मतलब इस डेट को था है और डेट सही, तो आप अपना सिग्नेचर करेंगे और इस प्रकार से अटेंडेंस आपकी लग जाएगी। और उसके बाद में क्रम वाइज जिस प्रकार से मेमोरेंडम जारी हुए हैं उसके अनुसार यदि ज़्यादा भीड़ है तो उसके अनुसार कैंडिडेट्स को अंदर बुला करके उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। और यदि ज़्यादा कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा नहीं है तो एक साथ ही सभी को बुला करके, जैसा कि देखा गया है पीजीटी में कम से कम नहीं तो 8 से 10 लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग अलग बेंच पर बैठ कर कर रहे थे, अलग अलग सीट पर बैठ कर कर रहे थे। और उनके उन जो कर्मचारी होते हैं उनसे ऊपर जो सेक्शन ऑफिसर भी होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मूलतः मित्रों क्या बोलते हैं आपका जो आपने जो भी डेट प्लस बी का जब रिज़ल्ट आया था ईडोजियर का, तो आपने जो ईडोजियर में जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को बहुत सावधानी से चेक किया जाता है और कम से कम नहीं तो किसी कैंडिडेट से आधा घंटा में किसी का ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न हो जाता है और किसी किसी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 घंटे का भी समय लग जाता है। जैसा कि मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अनुभव शेयर कर रहा हूँ और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपने जो भी
ये पहले भी हमने बताया, वो जो भी आपने एडोजियर्स में डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल देखा जाता है, और उसके साथ ही उन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सेट फोटो कापी भी मांगी जाती है। और फोटो कापी यदि दोनों साइड पर कुछ लिखा है आपके मार्कशीट में, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, तो आप दोनों साइड की फ़ोटो कापी कराएँगे। यदि कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एक साइड में लिखा है आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट या डिग्री में, तो आप उस साइड की फ़ोटो कापी कराएँगे और एक सेट वहाँ आपका जमा होता है। और आपका जो एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस फार्म होता है वो एक आपका जमा होता है, और दूसरा जो है अटेस्टेशन फार्म जो होता है उसकी 3 कॉपी जमा होती है, और 3 जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जारी होते हैं उन तीनों में एक ही गजटेड ऑफिसर से या वो या पोस्टमास्टर से आप किसी से भी करवा या स्कूल के प्रिंसिपल से करवा सकते हैं, बट आपको तीनों फार्म पर जो है अटेस्ट करवाना पड़ेगा बाय डेट। और एक बात और आपको इसके संबंध में बता दें, आप कम से कम नहीं, जब वहाँ पहचानने का वो कॉलम आता है कि मैं इनको इतने वर्ष से जानता हूँ, तो उस जगह पर आपको कम से कम नहीं 3 वर्ष लिखा हुआ होना चाहिए कि आप 3 वर्ष से उनको जानते हैं। यदि 3 वर्ष से कम आप वहाँ शो कर रहे हैं तो उसके लिए भी DOI डिफिशियंसी मेमो जारी करता है। जब मेरा DB हो रहा था उस समय मैं देखा था कि एक कैंडिडेट्स को जिसने 3 वर्ष से कम का वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जारी किया था कि मैं इस कैंडिडेट को 3 वर्ष से कम जानता हूँ, तो उसमें क्या हुआ, उनको एक डिफिशियंसी मेमो दिया गया था कि 3 वर्ष से अधिक जो है कम से कम वो जो भी आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जारी कर रहा है वो 3 वर्ष से अधिक आपको जान रहा हो और आपका जो है वो ये बात स्वीकार करें। तो ये कुछ बातें हैं, और बाकी यदि आपकी ओरिजिनल मार्कशीट चेक की जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मित्रों यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाया है वही लेकर जाइए, और ये मार्कशीट आदि करेक्शन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मार्कशीट करेक्शन आप यदि करवाएंगे इस बीच में तो वहाँ पर समस्या पैदा हो सकती है। और तो अच्छा ये रहेगा कि आप जो भी आपके मार्कशीट में मम्मी या पापा या आपके नाम में कहीं मिस्टेक है, तो आप जो आपने मार्कशीट उसमें अपलोड की है सेम वही मार्कशीट लेकर के जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, ओरिजिनल और उसकी फ़ोटो कापी। और यदि उनको लगेगा, जो आपका चेकिंग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, यदि उनको लगेगा कि इनके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है, मम्मी पापा के नाम में मिस्टेक है, तो यदि जो भी आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं आपके मार्कशीट में मम्मी पापा के नाम में मिस्टेक पाई जाती है, तो वो आपको एक डिफिशियंसी मेमो दे देंगे इस संबंध में, और आपको उपाय भी बताएंगे कि आप किस प्रकार से उस डिफिशियंसी मेमो का हल निकाल सकते हैं, उस समस्या का समाधान किस प्रकार से आप कर सकते हैं। और तो इसके लिए आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बहुत से कैंडिडेट्स के मार्कशीट में मम्मी और पापा, माता और पिता के नाम में मिस्टेक होती है निश्चित रूप से। किसी के मार्कशीट, किसी का सरनेम में मिस्टेक हो गई, किसी में कुछ समस्या, किसी का स्पेस हो गया, तो ये सब समस्या के समाधान के लिए जहाँ तक देखने में आ रहा है, वो जो DOE में डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे उनका कहना था कि आप फर्स्ट क्लास ऑफिसर से एक एफिडेविट बनवा करके जमा कर दीजिए, और जनरली देखा गया कि SDM से जो एफिडेविट बनवाकर जो कैंडिडेट्स ले जा रहे थे उनका जो है सबमिट कर लिया जा रहा था। SDM से या तहसीलदार कार्यालय से, कहीं से भी आप
एफिडेविट बनवा करके उस संबंध में यदि आपकी मार्कशीट में मम्मी या पापा के नाम में मिस्टेक है तो आप पूर्व में ही यह काम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पूर्व। और प्लीज़ 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 आप अपने मार्कशीट का करेक्शन मत करवाइएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, आप यदि मार्कशीट करेक्शन करवाएंगे तो आपको नई मार्कशीट जारी होगी और उस पर जो है जो पूर्व में डेट पड़ी थी मार्कशीट जारी होने की वो डेट न पढ़ के अब नई डेट पड़ेगी। इससे क्या समस्या आएगी, इससे ये होगा कि आप कट ऑफ डेट से बाहर हो जाएंगे। जो कट ऑफ डेट जैसे नेट निर्धारित की गई है 2021 की TGT की जो है लगभग वही जून 21 थी, तो उससे आप क्या होगा, आप बाहर हो जाएंगे तो वहाँ फिर समस्या पैदा होगी। आपको उसको सिद्ध करने के लिए कि मेरी ही मार्कशीट है उसको फिर से आपको प्रूफ देना पड़ेगा और भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो ये ज़्यादा उचित है कि आप चुपचाप जो भी आपकी मार्कशीट में मिस्टेक है, जो भी आपने मार्कशीट अपलोड किया है, सेम वही मार्कशीट लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको निर्धारित स्थान पर आपको दिए गए तिथि और समय पर पहुँचें और सावधानी से दिखाइए। यदि कोई वो समस्या पैदा करते हैं तो डिफिशियंसी देंगे और उसका हल भी वो सुझाएंगे कि आप इस प्रकार से हमें डॉक्यूमेंट ला कर दे दीजिए तो आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और फिर उसके बाद और उसके बाद भी अगली बात ये कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुरंत हो जाता है उनको मेडिकल लेटर इशू हो जाता है। और मेडिकल लेटर कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा आपकी आप देख पा रहे हैं यह मेडिकल लेटर है। कुछ इसी प्रकार से आपको भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद में इस प्रकार का मेडिकल लेटर आपको इशू होगा, जिसमें आपको मेडिकल सुपरिटेंडेंट DDU हॉस्पिटल या बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल या लोक नायक कोई हॉस्पिटल है दिल्ली में, उन कोई भी आपको रोहिणी में कोई एक हॉस्पिटल है वो आवंटित किया जा रहा है किसी को, कोई कोई किसी को कुछ हॉस्पिटल, किसी कोई कुछ हॉस्पिटल दिया जा रहा है। और उसमें इसमें ये जो है आपकी डिटेल रही कि आपका नाम, आपके फादर का नाम और उसके साथ ही मेडिकल लेटर पर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा और फ़ोटो लगानी पड़ेगी। उस मेडिकल लेटर की 3 कॉपी निकलती हैं, तीनों पर आपको फ़ोटो, अपना सिग्नेचर राइट साइड में करना है, फ़ोटो के लेफ्ट साइड में करना है और राइट साइड में जो सिग्नेचर है वो सेक्शन ऑफिसर करेगा। और कुछ इस प्रकार से आपको जारी हो जाएगा। और उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर ईमेल आएगी, जो भी आपने का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने आवेदन करते समय दिया था उस पर कुछ इस प्रकार से ईमेल आएगी। उसमें ये रहेगा कि आपको इतनी डेट के पहले संबंधित जो भी हॉस्पिटल आपको दिया गया है उस हॉस्पिटल में पहुंचना है और मेडिकल की डेट लेनी है। मेडिकल की डेट लेने के लिए आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा वहाँ पर साथ में, और उसका प्रोफार्मा भी आपको अभी दिखा रहे हैं। और जो ईमेल आता है वो ईमेल एक नज़र से देखते हैं हम लोग। आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपको ईमेल भी आएगी, जिसमें आपका नाम डियर जो भी हैं हरी सिंह द्विवेदी जो भी हैं आप, है ना, आपका नाम और यू आगे लिखा रहेगा इस प्रकार से, यू आर नॉमिनेटेड बाई DSSP फॉर द पोस्ट, जो भी आपकी पोस्ट कोड रहेगी, योर मेडिकल लेटर फॉर द पोस्ट कोड हैज़ बीन इश्यूड, प्लीज़ रिपोर्ट द मेडिकल सुपरिटेंडेंट DDU हॉस्पिटल शहीद मंगल पांडे मार्ग नानकपुरा हरिनगर दिल्ली न्यू दिल्ली पिन कोड, उसका हॉस्पिटल का जिस एरिया में है पिन कोड, और डेट दी गई बिफोर 17/10/2020। लगभग आपको एक महीने का समय देते हैं वो कि आप एक महीने के अंदर संबंधित हॉस्पिटल में पहुंच करके अपनी मेडिकल के लिए डेट ले सकें, तिथि ले सकें। पॉजिटिवली देख रहे हैं 17/10/2022 पॉजिटिवली फॉर मेडिकल चेकअप अलॉन्ग विद द मेडिकल लेटर्स इन ओरिजिनल एंड योर रिसेंट फोटोग्राफ्स, फिजिकल कॉपी ऑफ मेडिकल लेटर विल बी सेंड टू यू बाई स्पीड पोस्ट सून। फिजिकल कॉपी आपको तुरंत वो
दे देते हैं सक्सेसफुल डीवी होने के उपरांत। 3 कॉपी निकलती है जिसमें से आपको एक मेडिकल की कॉपी, मेडिकल लेटर की कॉपी आपको दे दी जाती है। और एक महीने के लगभग आपको समय दिया जाता है। और जनरली जो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं वहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप 8 या 10 दिन के बाद अपने संबंधित हॉस्पिटल में जा कर के डेट ले सकते हैं। इसमें तो आपको टाइम दिया गया है कि भाई दवा आप लेट में जाएं तब भी कोई समस्या नहीं होगी। 1 महीने के लगभग समय आपको दिया जाएगा कि आप आसानी से मेडिकल की डेट ले सकें। आप जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं DDU हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो तारीख लेने का समय है सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक आपको वहाँ संबंध उस हॉस्पिटल में DDU हॉस्पिटल में पहुँच जाना है। और कुछ इस प्रकार से एक एप्लीकेशन भी लिख करके ले जाना है। देख सकते हैं आप देख पा रहे हैं ये एक मेडिकल के लिए एप्लीकेशन लिखा गया है मेडिकल डेट के लिए, टू द सुपरिटेंडेंट DDU हॉस्पिटल न्यू दिल्ली 110064। और आगे सब्जेक्ट है रिगार्डिंग गेटिंग अपॉइंटमेंट डेट फॉर मेडिकल चेकअप फॉर द पोस्ट कोड, जो भी आपका पोस्ट कोड है इन DSSB। आगे लिखा है गया है एप्लीकेशन में, रेस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई अपना नाम लिखेंगे जो भी हैं आप, सीमा, गीता जो भी हैं आप, कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ TGT नेचुरल साइंस फीमेल विद पोस्ट कोड 36/21 अंडर DSSB रिक्रूटमेंट इज डायरेक्टेड टू विजिट योर हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल चेकअप बिफोर 13/9/2022। So you are suggested to provide me appointment date for the above said procedure and thank you. Your faithfully और अपना नाम, अपना पोस्ट कोड और सब्जेक्ट और डेट लिख करके आपको दे देना है। उसी एप्लीकेशन पर वो डेट आपको दे सकते हैं या हो सकता है आपको अलग से भी कहीं डेट लिख करके दे सकते हैं कि इस डेट को आप मेडिकल चेकअप के लिए आ सकते हैं। और इस समय मेडिकल कैंडिडेट्स का बाद में हो रहा है, ज्वाइनिंग पहले आ रही है। कुछ इस प्रकार से 15 से सभी का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो जाता है उसके लगभग 15 से 20 दिन के अंदर ज्वाइनिंग आ जा रही। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से अपॉइंटमेंट आर्डर जो है DOE से जारी हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये TGT संस्कृत का है, अखिलेश कुमार शर्मा जी का, और 5/7/22 को ये जारी किया गया था इसी प्रकार से। और उसमें टाइम दे दिया जाता है कि आपको कौन सा विद्यालय आवंटित किया गया है। जैसा कि इनको दिया गया है टैगोर गार्डन GBSS गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और उसकी स्कूल की ID दी गई है TGT संस्कृत के लिए अपॉइंट किए गए हैं। और उसके साथ ही लिखा गया है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है मेडिकल के जो भी रिक्वायरमेंट है मेडिकल रूप से फिट होने के बाद में ही वो सही माना जाएगा। और द एप्लीकेंट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर द डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आदि दिखाए हैं लगाए हैं वो सभी सही होने के उपरांत ही आपका ये अपॉइंटमेंट आर्डर नियुक्ति जो आदेश है वो उन सब के अधीन रहेगा कि आपका मेडिकल रूप से आप मेडिकली आप फिट हों और आपके सभी डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसमें आपका ग्रेड पे याद लिखा रहता है, जैसे 4600 ग्रेड पे है TGT का, देख पा रहे हैं आप।
और उस पर सेक्शन ऑफिसर का साइन और डेट भी होती है, जारी होने की डेट भी होती है। और उसमें ये भी रहता है कि आपको इसे 5 जुलाई को जारी हुआ है तो इनको ये आदेश दिया गया है कि आप 14 जुलाई 2022 तक संबंधित कॉलेज में पहुंच करके रिपोर्ट करें अर्थात ज्वाइन करें। तो आपको टाइमिंग भी दी दी जाएगी उसमें कुछ इस प्रकार से, जो आपका अपॉइंटमेंट आर्डर आएगा। और मित्रों सबसे बड़ी बात, जो भी बीएड आप सरकारी या प्राइवेट कहीं से भी किए हैं, आपसे एनसीटीई सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जो ऑनलाइन आपको अपनी कुछ सूचनाएं आप भरकर ओटीपी आरएमएस वेबसाइट के माध्यम से अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट आदि, बीएड की मार्कशीट आदि लगा करके अपलोड करके और अपनी सूचना भर करके आप जब ओटीपी आरएमएस वेबसाइट पर अपलोड करते हैं तो 4 से 5 दिन के बाद आपको वो सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। तो आपको बीएड के पक्ष में, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से हो चाहे सरकारी कॉलेज से हो, आपको एनसीटीए सर्टिफिकेट वहां पर शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो यदि आपने अभी भी नहीं बनाया है तो बनवा लीजिए, साधारण तरीके से देखिए। और देखने में आता है कि ये जो वेबसाइट है ओपीटीआरएमएस, ये मोबाइल से नहीं खुलती है, तो आपको सिस्टम से करना पड़ेगा। मेडिकल का प्रोफार्मा इस प्रकार से भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से भी मेडिकल के लिए आप अप्लीकेशन लिख सकते हैं, टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट डीडीयू हॉस्पिटल न्यू दिल्ली 11064, और साइड में डेट और नीचे लिखा है सब्जेक्ट रिगार्डिंग गेटिंग अपॉइंटमेंट डेट फॉर मेडिकल चेकअप फॉर द पोस्ट पीजीटी हिंदी पोस्ट कोड इन 68/20 इन डीओई DEEE SSB। नीचे रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई सुरेंद्र कुमार कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिंदी 68/20 ब्रेकेट में आपका पोस्ट कोड लिखना है, विद पोस्ट कोड अंडर DEEE SSB रिक्रूटमेंट इज डायरेक्टेड टू विजिट योर हॉस्पिटल फॉर मेडिकल चेकअप बिफोर, जो भी आपके ईमेल में मैसेज आया है कि इस डेट के पहले आप पहुँचिए, वो आपको डेट डालनी है, रिपोर्ट 19/9/2022 या जो भी आपका है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड मी द अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम फॉर द एबव सेड प्रोसीड्योर एंड ऑब्लिग, नीचे है थैंकिंग यू और साइड में योर फेथफुली, नीचे अपना नाम पीजीटी हिंदी और उसके बाद पोस्ट कोड डालना है। कुछ इस प्रकार से भी आप मेडिकल लेटर के लिए एप्लीकेशन लिखकर ले जा सकते हैं। आप जो अटेस्टेशन फॉर्म लेकर जाएंगे उसको बहुत सावधानी से वहां पर देखा जाता है, और यदि आपको कहीं पर कोई भी समस्या हो तो आप छोड़ दीजिए, वो आपको पूरा टाइम देते हैं वहाँ, उन्हें उचित लगेगा वो आपसे भरवा लेंगे। तो कहीं शंका संदेह हो तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं और गलत मत भरिएगा। और अटेस्टेशन फार्म के साथ ही लगभग हर पेज पर आपसे वो साइन करवाते हैं और बिड डेट, और उसके साथ ही अटेस्टेशन फार्म के साथ ये जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं लास्ट 3 ईयर से पहचानते हैं, ये ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, 3 ईयर से कम का नहीं होना चाहिए। और जो ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर है
अटेस्टेशन फार्म का जो फर्स्ट ये पेज है 5x7 की फोटो लगती है, और अपर आप अपॉइंटमेंट लेटर के लास्ट पेज पर भी वही 5x7 की फ़ोटो आप लगा सकते हैं। तीन फ़ोटो मांगा जाता है वैसे नहीं, TGT में तो पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो लगती हैं, ये आप देख पा रहे हैं। अपर आप अपॉइंटमेंट लेटर, अपर आप एक्सेप्टेंस फार्म, फार एक्सेप्टेंस ऑफर आप अपॉइंटमेंट, ये आपका जो ये फार्म है इसको भी बहुत सावधानी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चेक किया जाता है। और ये जो अंडरटेकिंग आप देख पा रहे हैं, ये अंडरटेकिंग आपसे वहाँ पर जो जो अधिकारी चेक करेंगे, जो कर्मचारी चेक करेंगे, वो आपसे बकायदा लिखवा भी लेते हैं कि नीचे लिखिए अंडरटेकिंग और अपना साइन और सिग्नेचर करिए, और सारी जो है बाकी अंडरटेकिंग्स आपसे ली जाती हैं। यदि OBC कैटेगरी है तो OBC का आप दिखाएंगे, यदि नहीं है तो जनरल से हैं तो कोई वही नहीं है। और सेल्फ डिक्लेरेशन भी लिखवाया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन, पोस्ट कार्ड साइज की फ़ोटो TGT में लगती हैं जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। तो जहां अगर कोई समस्या हो आपको तो उस जगह को वहां पर छोड़ सकते हैं, बाकी जो है आप फिल कर सकते हैं। और ये रही कुछ जानकारी, आशा करता हूँ आपको आने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इससे कुछ मदद मिलेगी। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपना प्यार सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। TGT में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, आप जैसा देख पा रहे हैं पहले भी आपको बताया जा चुका है, ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन, वन सेट ऑफ फोटो कापीज, ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बोथ साइड फ्रंट एंड बैक, सभी आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए, और एक सेट फोटो कापी सामने साइड की और पीछे साइड की, और तीसरे नंबर पर ओरिजिनल DSSP एडमिट कार्ड ड्यूली साइंड बाई इन्विजिलेटर, और आपका ओरिजिनल DSSP का जो एडमिट कार्ड था वो भी चाहिए जिस पर इन्विजिलेटर ने साइन किया था। नंबर चार पर 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए फॉर मेडिकल परफार्मा, क्योंकि मेडिकल लेटर जब इशू होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो 3 फ़ोटो चिपकानी पड़ती है, 3 जो है कॉपी उसकी बनती है जिसमें से एक कॉपी आपको दे दी जाती है। और पाँचवें नंबर पर ड्यूली फिल्ड एक्सेप्टेंस फार्म फिल्ड बाई कैंडिडेट हिमसेल्फ, और एक्सेप्टेंस फार्म आपके द्वारा जो भरा गया है वो देना है, और 3 सेट अटेस्टेशन फार्म के जो है आपको जमा करना है, और उस पर जो है आइडेंटिटी जो सर्टिफिकेट है लास्ट वाले पेज पर अटेस्टेशन के, उसमें आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से साइन और उनका मोहर लगवाना है। और सातवें नंबर पर ऑफर आप अपॉइंटमेंट लेटर इश्यूज बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो आपको अपर आप अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया गया है वो लेकर के जाना है, ओरिजिनल आपके घर पर आएगा, और जो अपर आप अपॉइंटमेंट लेटर जो ऑनलाइन जारी होता है उसी की कॉपी ओरिजिनल कॉपी आपके पास यहाँ आती है, बाकी वो भी मान्य होता है। अगर आपके घर नहीं पहुँची तो आप ऑनलाइन वाला जो DOE की वेबसाइट पर www.edudel.nic.in पर अपलोड किया जाता है मेमोरेंडम, उसको भी आप लेकर जा सकते हैं। और आठवें नंबर पर आप देख पा रहे हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE सर्टिफिकेट, और कहाँ से प्राप्त होगा आपको http://nctee.gov.in और OTP RMS वेबसाइट के माध्यम से ये आपको प्राप्त होगा। नाइन नंबर पर
9 नंबर पर आप देख पा रहे हैं ओरिजिनल ओबीसी सर्टिफिकेट एंड एनसीएल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बिफोर कट ऑफ डेट। आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए कट ऑफ डेट से पहले अर्थात आवेदन करने से पहले का। और 10वें नंबर पर करंट एनसीएल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल एंड वन फोटोकॉपी रिक्वायर्ड आर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट को करंट एनसीएल सर्टिफिकेट भी चाहिए ओरिजिनल और उसकी एक फोटोकॉपी। और 11वें नंबर पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए करंट मतलब वर्तमान इस समय का और बिफोर कट ऑफ डेट और कट ऑफ डेट से पहले का अर्थात आवेदन करने की लास्ट डेट से पहले का फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस के यदि आप कैंडिडेट्स हैं तो। और 12वें नंबर पर ऑल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर द अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स और अन्य कैटेगरी कैंडिडेट्स को भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको शो करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय टीजीटी पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स को वहां पर आपका चेक किया जाएगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा शेयर करिएगा। आपके सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट से मुझे और भी अच्छे वीडियो अपलोड करने की प्रेरणा मिलती है और अपना प्यार सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। हम आपके आगामी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ सुख सकुशल मंगलपूर्वक सम्पन्न हो और अत्यंत शीघ्र आप ज्वाइनिंग लेकर अपने अपने विद्यालयों में पहुंचकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार आप सभी को। थैंक यू सो मच।